नमस्कार विद्यार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिंकी, सहायक प्राध्यापक दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है बाल अधिकार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र और शिक्षा का अधिकार। इतिहास में कई अंतर्राष्ट्रीय संधि और दस्तावेज हैं जो बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की रूपरेखा देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशंस ने 1924 में बाल अधिकारों के जिनेवा घोषणा को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों में विश्वव्यापी घोषणा की जिसमें बच्चों के अधिकार सम्मिलित थे। इसके बाद बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र बनाया गया जिसे 1979 में पूरे विश्व में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। अब हम इसी संधि पत्र के विषय में जानेंगे। यह प्रथम बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो एक रूपता से बच्चों के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त मानक तथा प्रामाणिकता प्रदान करता है। यह संधि पत्र बच्चों को भेदभाव, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से संरक्षित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस संधि पत्र में 54 धाराएँ हैं। इन 54 धाराओं में धारा 1 से 41 में बच्चों के अधिकार, धारा 42 से 45 में इन्हें लागू करने के कार्य प्रणाली तथा धारा 42 से 54 में विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों को शामिल किया गया है। इस संधि पत्र में उन बुनियादी मानवाधिकारों की रूपरेखा बताई गई है जो बच्चों को दी जानी चाहिए। इन अधिकारों के 4 व्यापक वर्गीकरण हैं। इन 4 श्रेणियों में प्रत्येक बच्चे के सभी नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। इस संधि पत्र में 4 प्रकार के अधिकार हैं। पहला है जीवन जीने का अधिकार, दूसरा सुरक्षा का अधिकार, तीसरा सहभागिता का अधिकार और चौथा विकास का अधिकार। सबसे पहले हम जीवन जीने के अधिकार के विषय में जानेंगे। बच्चे के पैदा होने से पहले बच्चे के अस्तित्व का अधिकार शुरू होता है। भारत सरकार के अनुसार गर्भावस्था में 20 हफ्तों के बाद एक बच्चे का जीवन शुरू हो जाता है। इसीलिए जीवित रहने के अधिकार में बच्चों के जन्म के अधिकार, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन, आश्रय और कपड़ों का अधिकार एवं गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। सुरक्षा का अधिकार जो कि दूसरे प्रकार का बाल अधिकार है, एक बच्चे को घर पर और अन्य जगहों पर उपेक्षा, शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है। सुरक्षा के अधिकार बच्चों को शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं, अपमान और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं, अमानवीय या निम्न कोटि के व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं, उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार भी प्रदान करते हैं तथा आपातकाल एवं सशस्त्र संघर्ष जैसी स्थिति में विकलांग आदि को विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। तीसरा है सहभागिता का अधिकार। इसके अंतर्गत बच्चे को किसी भी निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार होता है जिसमें उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल किया जाता है। बच्चे की आयु और परिपक्वता के अनुसार भागीदारी के अलग स्तर हो सकते हैं। बच्चों को अपने विचारों के लिए सम्मान पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, बच्चों को विचार, चेतना एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। चौथे तरह का अधिकार है विकास का अधिकार, जिसका इस संधि पत्र में उल्लेख किया गया है। बच्चों को भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास का अधिकार है। बच्चों में भावनात्मक विकास उचित देखभाल और प्यार से, मानसिक विकास अधिगम के उचित अवसर और शिक्षा के द्वारा और शारीरिक विकास पोषण और खेलने के माध्यम से अर्जित करवाया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार भी विकास के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास हेतु सहायता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अवकाश, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अधिकार भी बच्चों के विकास के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति के आधार पर बाल अधिकारों को इसी संधि पत्र में 2 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला है त्वरित अधिकार, जो नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार से संबंधित है। इसमें भेदभाव, दंड, आपराधिक मामलों में पारदर्शिता एवं सत्यतापूर्ण सुनवाई का अधिकार एवं बच्चों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था आदि शामिल हैं। प्रगतिशील अधिकार दूसरे तरह का अधिकार है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और वे अधिकार हैं जिन्हें प्रथम वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें CRC के अनुच्छेद 4 में मान्यता दी गई है, जो कहता है, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में जहां जरूरी हो, सरकार के विभिन्न अंग अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के ढांचे के दायरे में उपलब्ध संसाधनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। बाल अधिकार संधि पत्र के शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधानों के विषय में अब हम जानेंगे। इस संधि पत्र में शिक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 28 एवं अनुच्छेद 29 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 28 बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह धारा कहती है कि समझौते में शामिल देश बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देंगे और समान अवसर के आधार पर इस अधिकार को उपलब्ध कराने में निरंतर प्रगति के लिए उपाय करेंगे, जैसे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाएंगे और सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा सहित माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रूपों के विकास को बढ़ावा देंगे और हर बच्चे के लिए इसे सुलभ और उपलब्ध बनाएंगे एवं जिन बच्चों को आवश्यकता हो उन्हें निःशुल्क शिक्षा और वित्तीय सहायता देने जैसे उचित उपाय करेंगे। इसी क्रम में तीसरा प्रावधान यह कहता है कि क्षमता के आधार पर सभी के लिए उच्च शिक्षा के आधार सुलभ कराने के सभी उपयुक्त उपाय सरकार द्वारा किए जाएंगे। सभी बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक सूचना और दिशा निर्देश उपलब्ध तथा सुलभ कराना, स्कूल में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पढ़ाई के बीच में ही बच्चों की स्कूल छूट जाने की दर को कम करना भी देशों की जिम्मेदारी होगी। समझौते में शामिल देश ये सुनिश्चित करने के उपयुक्त उपाय करेंगे कि स्कूल में अनुशासन लागू करने के तरीके बच्चे की मानवीय गरिमा तथा इसके समझौते के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। समझौते में शामिल देश शिक्षा से संबंधित मामलों, खासकर विश्वभर में अज्ञान और निरक्षरता को समाप्त करने तथा वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी सुलभ बनाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएंगे और इसे प्रोत्साहित करेंगे। इस मामले में विकासशील देशों की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब हम अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान किए गए हैं यह जानने की कोशिश करेंगे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा को किन दिशाओं में निर्देशित किया जाना चाहिए इसका जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि शिक्षा का लक्ष्य बच्चे के व्यक्तित्व, प्रतिभाओं तथा मानसिक और शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण विकास होना चाहिए। मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं और संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र के सिद्धांतों के प्रति सम्मान का विकास करना भी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों में अपने माता पिता, अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, जीवन मूल्यों, अपने निवास तथा उद्गम वाले देश के राष्ट्रीय मूल्यों और अपनी सभ्यता के अलावा अन्य सभ्यताओं के प्रति सम्मान का विकास होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य सभी देशों तथा जातीय, राष्ट्रीय और धार्मिक समूहों एवं देश के धार्मिक आदिम निवासियों के बीच समझबूझ, शांति, सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता और मैत्री की भावना के साथ मुक्त समाज में जिम्मेदारी भरे जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना होना चाहिए। इन्हीं लक्ष्यों में एक लक्ष्य है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना। अब हम संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संधि पत्र के महत्वपूर्ण प्रावधानों को एक सरसरी निगाह से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संधि पत्र के महत्वपूर्ण प्रावधानों में बच्चे को कई अधिकार प्राप्त हैं, जैसे अविभेदीकरण का, विशेष संरक्षण तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास हेतु अवसरों व सुविधाओं का, एक नाम व राष्ट्रीयता का, सामाजिक सुरक्षा, उचित पोषण, निवास, मनोरंजन व स्वास्थ्य सेवाओं का, विशेष नियोग्य बच्चों को विशेष उपचार का, देखभाल व शिक्षा का,
माता पिता से प्रेम स्नेह नैतिक व भौतिक सुरक्षा पाने का, कम से कम प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, यदि आपदा आए तो प्रथम बचाव का, सभी प्रकार की उपेक्षा क्रूरता शोषण से संरक्षण का एवं प्रजातीय धार्मिक या भेदभाव के अन्य रूपों से संरक्षण का। तो ये थे इस संधि पत्र में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जिसे हमने एक सरसरी निगाह से देखा। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ष के भारत के सभी बच्चों को समीपवर्ती विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिनियम नामांकन रहित बच्चों को उनके आयु के अनुसार उचित कक्षा में नामांकन करने का प्रावधान भी करता है। किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, यह भी प्रावधान किया गया है। यह बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की सहभागिता के विषय में भी बताता है। इसमें बच्चों के लिए शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, जांच आधारित प्रवेश प्रक्रिया का निषेध किया गया है। यह अधिनियम संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए पाठ्यक्रम विकास का प्रावधान करता है। इसमें बाल केंद्रित अधिगम प्रणाली के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है और इसमें बच्चों को भय, मानसिक आघात एवं चिंता से मुक्त रखकर उनके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। यह अधिनियम मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय के संचालन को भी निषेधित करता है। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात, भवन एवं बुनियादी संरचना, विद्यालय कार्य दिवसों, शिक्षकों की कार्यविधि संबंधित प्रतिमानों एवं आदर्शों का भी निर्धारण किया गया है और यह पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा भी RTE 2009 के अंतर्गत कई तरह के प्रावधान किए गए हैं जिससे बच्चों के शिक्षा लेने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। RTE 2009 के विषय में हमने पहले भी पढ़ा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपनी चर्चा में बाल अधिकार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने क्या कार्य किए हैं और शिक्षा का अधिकार हमारे देश में किस प्रकार लागू किया जाता है के विषय में जाना। आशा है कि आपके लिए यह चर्चा उपयोगी सिद्ध हुई होगी। अगली बार हम किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।